मैं अपने आंसू से मेहंदी से लिखा हुआ तुम्हारा नाम नहीं मिटा पा रही हूँ, तो दिल पे लिखा हुआ नाम कैसे मिटाऊंगी राज? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ एक बार आकर मुझे रोक दो, प्लीज़ एक बार आकर कह दो कि रानी ये शादी मत करो। हॉट चॉकलेट फंच मुझे पता था तुम मुझे किसी और का नहीं होने दोगे। मैं जानती थी कि मेरी लव स्टोरी की इतनी सैड एंडिंग नहीं होगी, बल्कि हमारा भी राणा इंद्रवदन सिंह और रानी गायत्री जैसी हैप्पी एंडिंग होगी। यू स्टूपिड टिंगर, मैं तो ये शादी इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे किसी और का नहीं होने दोगे। तुम्हें पता है कुंदन अच्छा लड़का नहीं है रानी। What? कुंदन कहाँ से बीच में आ गया? मैं तुम्हें राणा जी और रानी गायत्री देवी की मैं तुमसे किसी कहानी की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। और मैं कह रही हूँ तुम्हारे मेरे प्यार की कहानी मेरी जिंदगी है। रानी मैं तुम्हें कुंदन से शादी करने के लिए इसलिए नहीं रोक रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि कुंदन एक धोखेबाज है। वो तुमसे शादी करेगा, सुहाग रहेगा, छोड़ देगा। यही ना, तो छोड़ने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या पड़ता है? जब तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो ये सब क्यों बोल रहे हो राज? क्यों मुझे बचा रहे हो? किस हक से? जब तुम मुझे अपना मानते ही नहीं हो तो क्यों कर रहे हो ये सब? किसी के ऊपर हक या तो रिश्ता देता है या प्यार। रिश्ता हमारे बीच है नहीं और प्यार तुम मानोगे नहीं, इसलिए तुम चले जाओ। तुम्हारा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। रानी तुम समझती क्यों नहीं हो? वो लड़का तुम्हें बर्बाद कर देगा। स्टूपिड टिंगर, तुम रानी को जानते नहीं हो। अगर रानी को कोई बर्बाद कर सकता है तो वो खुद रानी है। और मैं ये तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगी। मैं तुम्हें बर्बाद होकर दिखाऊंगी। रानी तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। ये हमारे वीजा के पेपर्स रेडी कर दिए, बस तुम्हारे साइन चाहिए इस पर। और हाँ साथ में आंटी के लिए भी वीजा अप्लाई कर देते हैं। शादी के बाद वीजा जल्दी मिलेगा। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ। से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स? डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई है, तुम्हारा नाक नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं, अभी बात